जी अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मेरी आवाज आ रही है? वालेकुम सलाम। तुम यस मैम, अस्सलाम आ रही है। वालेकुम। अच्छा अपने ग्रुप पे मैसेज करो जरा, बाकी सब कहाँ पे हैं, ज्वाइन करें अपना लेक्चर। हाँ जी स्टार्ट करें लेक्चर। आज हमारा वो लेक्चर होगा जीन थेरेपी फॉर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। इस टॉपिक को मैंने मॉडिफाई किया है, आप लोगों को जितना जो रिक्वायरमेंट है जितनी आपकी उसके अकॉर्डिंग करने दी है। ठीक है, अब ये मॉडिफाइड वाला जो है मैं आज अपलोड कर दूंगी, आप इसी को आप पढ़ोगे, पिछला वाला जो है उससे नहीं पढ़ोगे। ठीक है, तो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स पहले आप लोग मुझे बताओ कि क्या होते हैं। आपकी क्लास एक्टिविटी थी ना, नर्व्स को इफेक्ट करे, कौन सी डिजीज हो सकती है? ठीक है, तो वो जो भी डिजीजेस जो है जो नर्व्स को इफेक्ट कर रही है, जो ब्रेन को इफेक्ट कर रही है, ब्रेन एक्टिविटी को इफेक्ट कर रही है। अब ब्रेन आप हमारे सारे सिस्टम जो है वो एसोसिएटेड है, कंट्रोल्ड है बाय द ब्रेन।
ठीक है, तो अगर ब्रेन इफेक्ट हुआ है, नर्व्स इफेक्ट हो रही है, तो मतलब हमारा ओवरऑल बॉडी इफेक्ट होगी, हमारे ओवरऑल सिस्टम्स इफेक्ट होंगे। ठीक है, तो उसी तरह से इसकी जितने भी डिजीजेस ब्रेन डिसऑर्डर हैं, वो ओवरऑल हमारी मूवमेंट, हमारी स्पीच, हमारी डाइजेशन, हर चीज़ जो है वो इफेक्ट होती है। ये सिर्फ ब्रेन की डिसऑर्डर सिर्फ ब्रेन तक नहीं है, वो पूरी बॉडी आपकी इफेक्ट करेगी। ठीक है, तो इसमें मोस्ट कॉमन जो डिजीजेज हैं, अल्जाइमर डिजीज, पार्किंसन डिजीज, इसके अलावा है टंकटेंस डिजीज, अमायोट्रॉपिक लेटरल स्क्लेरोसिस एंड स्ट्रोक। ठीक है, दीज आर द फाइव बेसिक और मोस्ट कॉमन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं। कि आगे इनका ट्रीटमेंट जो है, ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत सारी डिजीजेज के सिर्फ कुछ फार्माकोलॉजिकल मेडिसिन हैं, कुछ थेरेपीज हैं जो कि ब्रेन डिसऑर्डर्स के लिए हैं, वो भी उसकी प्रोग्रेशन को कंट्रोल नहीं करती। प्रोग्रेशन क्या होता है कि डिजीज के प्रोग्रेस को, डिजीज कंटिन्यू ही रहती है, उसके सिम्टम्स जो है, लाइक अगर किसी को जो है किसी की स्पीच में प्रॉब्लम आ रहा है, अगर किसी को जो है डाइजेशन में प्रॉब्लम आ रहा है, अगर किसी को जो है कोई और किसी और ऑर्गन का इफेक्ट आ रहा है, तो वो उस सिम्टम को कंट्रोल करेगा। उस सिम्टम को कंट्रोल भी किया, उसको बेहतर किया जा सकता है, कंट्रोल भी नहीं हो सकता कम्प्लीटली, तो वो सिम्टम्स को कंट्रोल करने के लिए डिजीज प्रोग्रेशन वो भी नहीं कर रहे। ठीक है, तो इसलिए फार्माकोलॉजिकल मेडिसिन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के लिए बहुत कम है। तो इसलिए आजकल जो न्यू स्ट्रेटजी किसकी तरफ जा रही है, जीन थेरेपी की तरफ। जीन थेरेपी क्या होती है? बेसिकली जो भी जो है मॉडिफाइड म्यूटेटेड जीन होगी जिसकी वजह से डिजीज हो रही है, ठीक है, म्यूटेशन की वजह से डिजीजेस अपीयर होती है ना, तो उस म्यूटेटेड जीन को रिप्लेस कर देना विद अ न्यू जीन, या उसको मॉडिफाई कर देना, उसका जो म्यूटेटेड पार्ट था उसको रिमूव कर देना। या फिर क्या किस तरह से हो सकता है, कोई हमारी जो ऐसी जीन हम इंसर्ट कर देते हैं जो उस डिजीज को ओवरकम कर देते हैं, या कोई डिजीज अगर कोई एक प्रोटीन बना रही है, वो प्रोटीन एबनॉर्मल होना शुरू हो गया तो उस जीन को इनएक्टिवेट कर देते हैं। ठीक है, दीज आर द डिफरेंट जीन थेरेपीज, और इसके लिए हमें वेक्टर्स चाहिए। वेक्टर को दो तरह के हो सकते हैं, वायरल नॉन वायरल, ठीक है, वो आगे हम डिस्कस करते हैं। सो दीज आर द न्यूरोनल डिसऑर्डर जो है डिसऑर्डर्स एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ द जीन थेरेपी। जीन थेरेपी में बेसिकली होता है कि इट इज मीडिएटेड थ्रू द डिलीवरी ऑफ डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, क्योंकि हम इफेक्टिव डीएनए ही इंसर्ट करते हैं इनटू द जीनोम, इनटू सीएनएस, इज अ प्रॉमिसिंग अल्टरनेटिव स्ट्रेटजी टू द कन्वेंशनल थेरेपी। कन्वेंशनल थेरेपीज जो पिछली थेरेपीज जितनी भी हैं, फार्माकोलॉजिकल हैं या कोई और थेरेपी है, तो उनकी जगह पे जो है आजकल वो जीन थेरेपी की तरफ आ रहे हैं। क्लिनिकल और बहुत सारी इसमें अभी प्री क्लिनिकल स्टेज पे, प्री क्लिनिकल स्टेज के वो क्लिनिकली अभी नहीं इम्प्लीमेंट हुए, लाइक वो एनिमल्स जो है ट्रायल तक हुए, क्लिनिकल ट्रायल, एनिमल्स ट्रायल तक हुए, इसके अलावा कुछ अभी उससे भी पहले लेवल पे है। ठीक है, और कुछ बहुत कम जो है वो ह्यूमंस पे ट्रायल हुई है अभी, बाकी सारी जो है प्री क्लिनिकल क्लिनिकल स्टेज पे जो है, लेकिन आगे जो है वो इसका जो है हो सकता है एक नॉर्मल पार्ट कि हमारे ट्रीटमेंट का। लेकिन इसमें बहुत सारे फैक्ट्स हैं कि जी ये जीन थेरेपी के एक तो अपने साइड इफेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, सेकंड इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोसीजर, ठीक है, हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए ये उस जो है वैरायटी या उस कैपेसिटी के साथ नहीं हो रही जितना इसका इफेक्टिव वे है डिजीजेस को कंट्रोल करने का। तो जीन थेरेपी एंड पोटेंशियल प्रॉब्लम्स क्या हो सकते हैं? जीन थेरेपी कैन बी डन या इन विवो और एक्स विवो मेथड्स, दो तरह के मेथड्स हो सकते हैं ना। इन विवो कौन से होते हैं और एक्स विवो कौन से होते हैं? हाँ जी बच्चों, आप लोग बताओ जरा, इन विवो और एक्स विवो मेथड्स कौन से होते हैं? हम जीन थेरेपी में पढ़े थे और आपने इसमें भी पढ़े होंगे। मैम इन विवो में डायरेक्ट जीन इंसर्ट कर देते हैं और एक्स विवो आउटसाइड द बॉडी हम करवा के। हाँ जी बिल्कुल, ठीक है ठीक है। इन विवो में क्या होता है कि हम वेक्टर में जीन इंसर्ट करके वेक्टर जो है डायरेक्टली ह्यूमंस में जो है जो भी साइट है उधर इंसर्ट कर देते हैं,
फिर वो वेक्टर जो है अपना जीनोम एंटर करेगा, उसके साथ वो रिक्वायर्ड हमारी जीन जो है इंसर्ट होगी टू द ह्यूमन जीनोम। एक्स वीवो क्या होता है कि हम उन सेल्स को बाहर निकालते हैं लैब में, लाइक ब्रेन सेल्स को अगर हमने करना है ना वो स्पेसिफिक एरिया के, वो सेल्स लेके उनको लैब में जो है उसमें वो जीन इंसर्ट करके उसको उसकी क्लोनिंग करवाते हैं, ठीक है, वो जो रिक्वायर्ड जीन के साथ होगी उसकी क्लोनिंग करवाते हैं, फिर री इम्प्लांट करते हैं टू दैट ऑर्गन, ठीक है। तो इसकी इन वीवो एक्स वीवो मेथड्स जो है वो दोनों तरह से हम यूज कर रहे हैं इसकी थेरेपीज। इन वीवो जीन थेरेपी इन्वॉल्व डायरेक्ट इंट्रोडक्शन ऑफ अ थेरेप्यूटिक जीन into the target region using viral vector, ठीक है। इसमें भी हम viral vectors जो है use करते हैं, बहुत सारे viral vectors हैं लेकिन most common जो है adeno associated virus जो है वो इसमें use हो रहा है। There are a number of viruses being used as vectors and these viruses differ किससे करते हैं, tropism कुछ एक एरिया में होते हैं एक एरिया में नहीं होते, ठीक है। Host genome उनका जो genome है वो genome interaction हर एक का interaction एक basic लाइफ साइकिल उनका सेम होता है, ठीक है, लेकिन हर एक का इंटरेक्शन जो है वे ऑफ इंटरेक्शन डिफरेंट हो सकता है। तो इस तरह से हर वायरस जो है एक दूसरे से वेरिएबल होता है। इसके अलावा पैकिंग कैपेसिटी, इम्यून रिस्पॉन्स के उसके अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स किस तरह का आएगा, इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेट होगा या नहीं होगा, इसके अलावा टारगेट सेल के जो है उसमें इम्यून रिस्पॉन्स आएगा या नहीं, रिलेटिव वायरल टाइटर एंड ट्रांसडक्शन एफिकेसी के मतलब टाइटर कितना होगा अगर हम उसको उस वायरस को जो है इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो कितना जो है हमारी बॉडी में जाके उसकी जो है म्यूटेशन या उसकी ग्रोथ होगी, ठीक है, और वो उसकी ट्रांसडक्शन डिजीज ट्रांसडक्शन कितनी होगी, मतलब उसको इम्यून रिस्पॉन्स कितना आएगा या वो ट्यूमर लेवल ट्यूमर ग्रोथ तक लेके जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वायरस टू वायरस वेरी करती हैं, कुछ के एडवांटेजेस इस पॉइंट से ज़्यादा होंगे कुछ के कम होंगे, लेकिन जो है हर कोई एक दूसरे में थोड़ा सा वेरिएबल होगा एडवांटेजेस में या फिर डिसएडवांटेजेस। द मोस्ट वाइडली यूज्ड वन करेंटली सीम्स टू बी एडीनो एसोसिएटेड वायरस। इसमें मोस्टली जितने भी आप जीन थेरेपीज देखोगे उसमें एडीनो एसोसिएटेड वायरस ही यूज हो रहा है। क्यों, इसके एडवांटेजेस क्या हैं? मैनी जीन थेरेपी क्लिनिकल ट्रायल रिलाई ऑन इट टू डिलीवर द डिजायर्ड जीन्स। एडीनो एसोसिएटेड वायरस इज अ नॉन पैथोजेनिक, सबसे पहला नॉन पैथोजेनिक है, मतलब डिजीज कॉज नहीं करता ह्यूमंस में, नॉन पैथोजेनिक है, पार्वोवायरस विद मैनी एक्नॉलेज्ड एडवांटेजेस, फॉर एग्जाम्पल इनहेरेंटली ब्रॉड ट्रॉपिज्म विद अ कैपेबिलिटी टू इन्फेक्ट बोथ डिवाइडिंग एंड क्वेश्चंस सेल्स, दोनों को इफेक्ट करता है, दोनों में जीन इंसर्ट कर सकता है डिवाइडिंग में भी और नॉन डिवाइडिंग सेल्स में भी। एब्सेंस ऑफ वायरल जीन्स दैट मिनिमाइज द लाइवलीहुड ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स, इसमें वो जीन्स बहुत कम लेवल की हैं जिसकी वजह से इम्यून रिस्पॉन्स आ सकते हैं, ठीक है, इस तरह से इसके अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स भी कॉमन नहीं है। हायर लेवल्स ऑफ जीन एक्सप्रेशन एंड इम्प्रूव्ड स्टेबिलिटी, सबसे इम्पॉर्टेंट, कोई भी हम वेक्टर यूज करते हैं तो उसमें क्या, एक तो उसको जीन एक्सप्रेशन जो वो कराए वो लॉन्ग टाइम के लिए होना चाहिए, और जो जीन एक्सप्रेशन वो जीन इंसर्ट करे वो स्टेबल रहनी चाहिए विद इन द ह्यूमन जीनोम, ठीक है, वो इनिशिएट कर सकती हो इस ह्यूमन जीनोम में जाके, ठीक है। तो ये इसका जो है इफेक्टिव एडवांटेज है एडीनो एसोसिएटेड वायरसेस। इसके साथ हर एक डिसएडवांटेजेस भी हैं, इसके जो है एडीनो एसोसिएटेड वायरस के भी अपने डिसएडवांटेजेस हैं, फॉर एग्जांपल इट्स अ क्लोनिंग कैपेसिटी इसकी बहुत कम है, हम उसको लैब में ग्रो जो है कम कर सकते हैं, इसको बहुत ज़्यादा क्लोन नहीं किया जा सकता। सेकंड, ये जो है एक छोटा वायरस है, छोटा वीरियन है, इसमें कम साइज ऑफ डीएनए जो है इंसर्ट किया जा सकता है और ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है टू द रिक्वायर्ड टारगेट सेल्स, ठीक है, दीज आर द डिसएडवांटेजेस, लेकिन इसके एडवांटेजेस ज़्यादा हैं, ठीक है, इसलिए हम एडीनो एसोसिएटेड वायरस को जो है यूज कर सकते। नेक्स्ट जो है इसके उसके बाद हम जो वेक्टर यूज करने के बाद क्या होता है कि जो जीन इंसर्ट की जाए वो अपना जो है थ्रू आउट द लाइफ वो अपना एक्सप्रेशन भी कराए, ठीक है। फॉर दिस टू हैपन द इंट्रोड्यूस जीन मस्ट इंटीग्रेट इन टू द सेल्स ओन डीएनए, ठीक है, मतलब वो वैक्टर से सेल्स के अपने डीएनए में इंसर्ट होना बहुत जरूरी है। However, there is possibility of inducing tumor growth of the inserted DNA in incorrect place. लेकिन viral vectors use करने का एक disadvantage क्या है, एक तो
मतलब जीन इंसर्ट होगी तो वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगी ना ह्यूमन जीनोम में, लेकिन अगर वो गलत साइड पे एंटर हो गई, उसकी स्पेस या प्लेस चेंज हो गई है इनटू ह्यूमन जीनोम, देन इट कैन लीड टू ट्यूमर ग्रोथ। तो ट्यूमर जेनेसिस हो सकती है, इसको इंसर्शनल ट्यूमर जेनेसिस कहा जाता है। ठीक है, कि इंसर्टेड जीन जो है वो ट्यूमर ग्रोथ की तरफ लेके जा चुकी है, तो इसको इंसर्शनल म्यूटाजेनेसिस कहा जाता है। इंसर्शनल म्यूटाजेनेसिस ड्यू टू द इंसर्शन ऑफ एनी जीन, जो चेंजेस आती हैं उसको इंसर्शनल म्यूटाजेनेसिस कहा जाता है। तो ये जो है क्या करेगी, ग्रोथ ट्यूमर ग्रोथ की तरफ क्यों लेके, कैसे लेके जाएगी? इंसर्शनल म्यूटाजेनेसिस दो तरह से कर सकती है। एक कि ये जो ट्यूमर सप्रेसर जीन्स हैं, ट्यूमर सप्रेसर जीन्स होती है ना, एक प्रोटो ऑनको जीन्स होती हैं जो ट्यूमर सप्रेसर होती है और ट्यूमर की ग्रोथ को सप्रेस करती है। प्रोटो ऑनको जीन्स होती हैं, जब वो एक्टिवेट हो जाए तो वो ट्यूमर ग्रोथ को इनहांस करती है। तो ये इंसर्शनल म्यूटाजेनेसिस में क्या चेंजेस आएंगे कि ट्यूमर सप्रेसर जीन्स को ये इनएक्टिवेट कर देते हैं और जो प्रोटो ऑनको जीन्स हैं उनको एक्टिवेट कर देते हैं। तो इस तरह से ये ट्यूमर ग्रोथ की तरफ लेके जा सकते हैं अगर ये रॉन्ग प्लेस पे जो हमारा डीएनए है ये जीन जो है वो इंसर्ट हो जाए। यूज ऑफ द वायरल वेक्टर्स कैन ऑल्सो पोज अ रिस्क ऑफ पेशेंट बाय ट्रिगरिंग टॉक्सिसिटी, ठीक है, इम्यून और इंफ्लेमेटरी रिएक्शंस। ऑब्वियसली वायरस इज अ पैथोजन, ठीक है, वायरस इज अ फॉरेन बॉडी, फॉरेन पार्टिकल इन टू द ह्यूमन बॉडी। वो जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल ह्यूमन बॉडी में जाती है तो वो उसको ऐसे फॉरेन एंटीजन ही लेगा और उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी इफेक्ट करेगी, रोल प्ले करेगी। तो इस तरह से जो है अब ये जो इफेक्ट्स है ये वायरस टू वायरस जो है वेरी करते हैं, कुछ में बहुत ज़्यादा आएंगे कुछ में बहुत कम आते हैं। तो लेकिन वायरल वेक्टर्स यूज़ करने के ये साइड इफेक्ट्स हैं कि वो टॉक्सिक हो सकते हैं, इम्यून रिस्पॉन्स आ सकते हैं उनके अगेंस्ट, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स आ सकते हैं। इसके अलावा जो है वो इंसर्शनल चेंजेस जो है, इंसर्शनल म्यूटाजेनेसिस हो सकती हैं। जीन डिलीवरी वेक्टर्स मस्ट बी एबल टू अवॉइड द बॉडीज नेचुरल सर्वेलियंस सिस्टम एज एन अनवेलकम इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है, कि मतलब नेचुरल जो बॉडी का सिस्टम है उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए वेक्टर्स को, ऐसे वेक्टर्स हमें यूज करने चाहिए। नेक्स्ट ये इनविवो था, इनविवो में हमने क्या किया था, वेक्टर को में जीन इंसर्ट की और फिर बॉडी में इंसर्ट कर दिया वो वेक्टर। एक्सविवो में क्या होगा, हमने स्पेसिफिक सेल्स चूज करने, उनको मॉडिफाई करने, उनकी क्लोनिंग करा के दोबारा से री इम्प्लांट करनी है। फॉर एक्सविवो जीन थेरेपी सेल्स शुड बी जेनेटिकली मॉडिफाइड, नॉट वेक्टर्स, सेल्स, सेल्स शुड बी जेनेटिकली मॉडिफाइड इन विट्रो टू एक्सप्रेस अ थेरेप्यूटिक जीन, जो थेरेप्यूटिक जीन, थेरेप्यूटिक जो हमने अपनी रिक्वायर्ड जीन इंसर्ट करनी है, ठीक है, तो थेरेपी की जो जीन है उसको थेरेप्यूटिक जीन कहा जाता है। तो हमने सेल्स को जो है मॉडिफाई करने हैं, उसमें थेरेप्यूटिक जीन इंसर्ट करनी है, उसके बाद उसको जो है रेसिपिएंट होस्ट में दोबारा से री इम्प्लांट कर देना है। इसके लिए आप स्पेसिफिक सेल्स हम चूज करेंगे, ठीक है, कि कौन से सेल्स जो है सीएनएस के इफेक्टिव है फॉर दिस एक्सविवो थेरेपी। तो उसमें क्या क्या हो सकते हैं, सेल्स ऑफ सीएनएस ओरिजिन विद डिजायरेबल न्यूरोनल फीचर्स कुड बी अप्रोप्रिएट फॉर सीएनएस सोमेटिक जीन थेरेपी। उसमें क्या हो सकते हैं, न्यूरल प्रोजेनिटर सेल्स आइसोलेटेड फ्रॉम रीजन्स दैट अंडरगो न्यूरोजेनेसिस डिफरेंशिएटेड प्रीडोमिनेंटली इनटू ग्लियल फेनोटाइप आफ्टर बीइंग ट्रांसप्लांटेड। जी, इसका डिसएडवांटेज है कि ये अगर न्यूरल जो प्रोजेनिटर सेल्स हैं वो ग्लियल सेल्स में जो है ट्रांसफर हो सकते हैं, वो या वो वेरिएबल सेल्स में जो है ट्रांसफर हो सकते हैं। तो इसके लिए मोस्ट सूटेबल सेल्स जो हम ब्रेन के इफेक्ट करते हैं, यूज करते हैं, among the varying cell types tested experimentally, neural progenitors derived from embryonic mesencephalic cultures show best potential. ठीक है, मतलब ये भी initiative life जब होती है ना, जब brain cells बन रहे होते हैं, उन cells को जो है वो लिया जाता है, उनको modify किया जाता है, फिर उनकी cloning करा के फिर जो है insert किया जाता है। इसके अलावा astrocytes जो है, brain cells हैं astrocytes, ठीक है, वो use किए जा सकते हैं for ex vivo therapy. तो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ सेल्स जो हम एक्स विवो थेरेपी के लिए यूज कर सकते हैं। इन विवो के लिए तो वेक्टर्स ही यूज करेंगे ना, एक्स विवो के लिए सेल्स यूज होंगे। अब प्री क्लिनिकल और क्लिनिकल ट्रायल्स जो है वो हम देखते हैं डिजीज के, हम डिजीजेस को किस तरह से जीन थेरेपी में
कंट्रोल कर रहे हैं या फिर उनकी थेरेपीज कर रहे हैं. सो फर्स्ट वन इज अल्जाइमर डिजीज. अल्जाइमर डिजीज क्या होती है? क्या होते हैं? डिमेंशिया. ठीक है, जितनी भी मेमोरी है मेमोरी लॉस होना शुरू हो जाती है. क्यों मेमोरी लॉस होती है? स्किप थॉलोजी क्या है? आपकी क्लास आपने पढ़ा तो होगा ना, थोड़ा थोड़ा सा तो आइडिया होगा. कौन से लेवल? अमाइलॉइड डिपोजिशन जो है, अमाइलॉइड बीटा. अल्जाइमर डिजीज बेसिकली क्या है? इट्स अ एज रिलेटेड डिमेंशिएटिंग डिजीज है. ठीक है, एज के साथ जो है मेमोरी लॉस होना शुरू हो जाती है. ठीक है, कुछ में जो है बहुत ज़्यादा इफेक्ट आ जाता है इसका, वो डिपेंड करता है फिर अदर फैक्टर्स पे. तो बेसिकली इट्स अ डिमेंशिएटिंग डिसऑर्डर है, मेमोरी लॉस होने की डिसऑर्डर है. और इसमें होता क्या है, इसमें अमाइलॉइड बीटा डिपोजिशन होती है. अमाइलॉइड क्या है? अमाइलॉइड क्या है? फैट कोलेस्ट्रॉल है. ठीक है, लिपिड्स हैं, लिपिड्स. तो अमाइलॉइड क्या है? इसमें अमाइलॉइड बीटा जो है डिपॉजिट वैसे नॉर्मली तो नहीं होता, जब एज के साथ जो है ये इसकी डिपोजिशन जो है इंक्रीज होना शुरू हो जाती है. इसके अलावा क्या होता है? न्यूरोफिब्रिलरी टैंगल्स जो है वो ड्यू टू द डिपोजिशन वो बनना शुरू हो जाती है. साइनेप्सिस एंड न्यूरोनल लॉस होना शुरू हो जाते हैं. हर सेल की एक लाइफ साइकिल होती है ना, तो इसी तरह से ब्रेन सेल्स भी जो यूज होंगे उनके जो है फिर लॉस होना शुरू हो जाता है विद द ग्रोइंग एज, विद द ओल्डर एज. ठीक है, तो इस तरह से ये अल्जाइमर डिजीज की तरफ जो है पेशेंट जा सकता है. टू डेट ओनली 5 ड्रग्स हैव बीन अप्रूव्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ अल्जाइमर डिजीज. ठीक है, वो भी क्या है? सिम्टम्स को कंट्रोल करेंगे, नॉट द प्रोग्रेशन. सिर्फ 5 मेडिसिन हैं जो कि यूज हो रही हैं, वो भी सिर्फ सिम्टम्स को देखेंगी, नॉट प्रोग्रेशन. इसलिए जो है जीन थेरेपी की तरफ जो है वो आए हम कि जीन थेरेपी जो है इसकी होनी चाहिए. तो कॉम्बिनेशन ऑफ अमाइलॉइड बीटा और सबसे ज़्यादा इसका कौन सा जो है आइसोफॉर्म यूज होता है, पर्टिकुलरली इट्स 42 अमाइनो एसिड आइसोफॉर्म जिसमें जो है 42 अमाइनो एसिड्स होंगे. इसको अमाइलॉइड बीटा 42 भी कहा जाता है. इज अ प्रिंसिपल पैथोजेनिक इवेंट ऑफ अल्जाइमर डिजीज. ठीक है, दिस इज द प्रिंसिपल जो है मॉलिक्यूल जो है वो हमारी जो डिपॉजिट होगा ब्रेन के अंदर. अ ग्रोइंग बॉडी ऑफ एविडेंस शो इम्यूनोथेरेपी टारगेटिंग अमाइलॉइड बीटा होल्ड्स ग्रेट प्रॉमिस फॉर रिड्यूसिंग अमाइलॉइड बीटा. ठीक है, इम्यूनोथेरेपी यूज जो है बहुत इफेक्टिव है इसमें. इम्यूनोथेरेपी क्या होती है? इम्यूनोथेरेपी जिसमें एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन कराया जाता है किसी भी थेरेपी में. ठीक है, तो इसमें भी अगर अमाइलॉइड को एज ए एंटीजन लिया जाए तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज ऐड की जाती है बॉडी में, तो वो अमाइलॉइड के साथ रिएक्ट करके उसकी ब्रेक डाउन करेगा उसमें बॉडी में आके. ठीक है, तो इस तरह से इम्यूनोथेरेपी जो है वो बहुत इफेक्टिव रोल प्ले करती है टू कंट्रोल अल्जाइमर डिजीज. एडिनोसिनेटेड वायरस वेक्टर इनकोडिंग एंटी ए बी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कॉज अ सिग्निफिकेंट डिक्रीज. वही मतलब कि एडिनोसिनेटेड वायरस में हम इस एंटीबॉडीज की जीन इंसर्ट करते हैं, इन अमाइलॉइड बीटा के अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज बनाती है ना जीन, वो जीन हम उसमें इंसर्ट करके तो ह्यूमन्स में इंसर्ट करते हैं. तो इस तरह से क्या होगा कि ह्यूमन्स में जो है वो एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाएंगी. तो एंटीबॉडीज जाके अमाइलॉइड के साथ रिएक्ट करेंगी और उनकी जो है ब्रेक डाउन जो है या उनकी फॉर्मेशन को रोकेंगी. तो इस तरह से इस डिजीज को जो है वो इम्प्रूव किया जा सकता है. इसके अलावा क्या हो सकता है हमारे पास? सेकंड अमाइनो एसिड एडिनोसिनेटेड वायरस, उसमें जो है रेडिएटेड अमाइनो जो है अमाइलॉइड बीटा इम्यूनाइजेशन हैज प्रूव द बेसिस ऑफ अ नोवल अल्जाइमर डिजीज. ठीक है, इम्यूनाइजेशन क्या होती है? वैक्सीनेशन ना, तो हम उसमें इस एडिनो वायरस को जो है यूज करके इम्यून करते हैं बॉडी को. जैसे आजकल हमारी कोरोना वायरस के अगेंस्ट इम्यूनाइजेशन हो रही है ना, कोरोना वायरस को ही इंसर्ट किया जाता है ह्यूमंस, ह्यूमन बॉडी जो हमारी अपनी बॉडी है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाएगी और फिर वो हमें फ्यूचर के लिए जो है उस डिजीज से प्रोटेक्ट करती है. तो इसी तरह से इसमें भी
एड्यूनो एसोसिएटेड वायरस जीन्स को इंसर्ट करके ह्यूमन इम्यून सिस्टम को इस अल्जाइमर डिजीज या अमायलॉइड बीटा डिपोजिशन के अगेंस्ट जो है वो एंटीबॉडीज डेवलप कर देती है, और फिर क्या होगा, वो एंटीबॉडीज हमारे अंदर बॉडी में जो है अमायलॉइड डिपोजिशन की फॉर्मेशन को नहीं होने देंगे, उसको साथ ही ब्रेक डाउन कर देंगे. सो दीज आर द इम्यूनोथेरेपीज. एंटीबॉडीज डेवलप कर रहे हैं ना, इम्यूनाइजेशन भी इम्यूनोथेरेपी है. इसके अलावा जो है सेकेंड अप्रोच क्या है, एक ये तो हम के हम उस अमायलॉइड की जो है फॉर्मेशन ना होने दें बाय एंटीबॉडी जो है रिएक्शन. सेकेंड क्या है कि हम अमायलॉइड बीटा जो डिपोजिशन हो गई है उसको डिग्रेडेशन इंक्रीज करें. ठीक है, अब वो किस तरह से किया जा सकता है कि एक इसमें नेप्रिलाइसिन जो है एक इंजाइम यूज किया गया है. नेप्रिलाइसिन में हम इंजाइम कौन सा यूज करते हैं, जिंक मेटालोपेप्टाइडेज़. पेप्टाइडेज़ क्या होते हैं, जो पेप्टाइड्स मतलब लिपिड्स को जो है ब्रेक डाउन करते हैं. तो ये जिंक मेटालोपेप्टाइडेज़ क्या है, इंजाइम जिसमें जिंक एज ए मेटल एक्ट करती है. ठीक है, तो ये इंजाइम यूज किया जाता है ताकि जो डिपॉजिट हो चुका है अमायलॉइड उसकी जो है डिपोजिशन को जो है डिग्रेड कर दे वहां से. तो इसमें भी जो है एडिनो एसोसिएटेड वायरस जीन जो है इंसर्ट की जाती है और वो जो है इस इंजाइम की जो है इंजाइम को इंक्रीज करेगा हमारी बॉडी में और वो जाके जो है अमायलॉइड बीटा जो है उसकी जो डिपोजिशन है उसको डिग्रेड कर देगी, उसको खत्म कर देगी. तो इस तरह से इस डिजीज को मॉडिफाई किया जा सकता है, ये सेकेंड अप्रोच है इसकी. इसके अलावा थर्ड अप्रोच क्या हो सकती है कि हम सिम्टम्स को इम्प्रूव करें. सिम्टम्स को इम्प्रूव करने के लिए हमने डिफरेंट ग्रोथ फैक्टर्स यूज किए इसमें, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स. ठीक है, ये बेसिकली ग्रोथ फैक्टर्स है, इसके फंक्शन जो इंसुलिन लाइक होते हैं, इंसुलिन की तरह इसके फंक्शन होते हैं, इसलिए इसका नाम जो है इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर रख दिया गया है. इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स जो है इंसर्ट किए जाते हैं वो क्या करेंगे, वो मेमोरी को इनहांस करने के लिए यूज होते हैं. ये मेमोरी लॉस होती है ना इसमें, तो ये इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स जो है मेमोरी को जो है इन्हांस करते हैं, इनका ये फंक्शन है. तो इस तरह से उनको इंट्रोड्यूस करेंगे ताकि जो उसकी सिम्टम है मेमोरी लॉस उसको कम किया जा सके. इसके अलावा सेकेंड ग्रोथ फैक्टर्स क्या यूज कर सकते हैं, नर्व ग्रोथ फैक्टर. नर्व ग्रोथ फैक्टर जो है वो भी इंट्रोड्यूस कराया जा सकता है टू कंट्रोल द सिम्टम्स ऑफ मेमोरी लॉस. वो किस तरह से करेंगे कि ये करता है इनहांस द फंक्शन एंड सर्वाइवल ऑफ फोर ब्रेन कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स. बेसिकली जो अल्जाइमर डिजीज में इफेक्ट होती है, जो नर्व्स हमारी इफेक्ट होती है कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स होती है. ठीक है, तो ये न्यूरल जो ग्रोथ फैक्टर है ये उसके सर्वाइवल को इंक्रीज करता है, उन नर्व्स को, न्यूरॉन्स को. तो न्यूरॉन्स को सर्वाइवल को इंक्रीज करेगा तो ऑब्वियसली मेमोरी लॉस जो है वो इम्प्रूव होगी. तो ये दो तरह के जो हैं ग्रोथ फैक्टर्स हम यूज कर सकते हैं. इसके अलावा साइटोकाइंस यूज करते हैं, इट्स आल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल. वो किस तरह से कि अल्जाइमर डिजीज बेसिकली इंफ्लेमेटरी प्रोसेस भी तो हो रहा होता है ना, तो साइटोकाइंस में हम इंटरल्यूकिन 1 और 10 यूज करते हैं मोस्टली क्योंकि वो एंटी इंफ्लेमेटरी होते हैं. तो जो ब्रेन में इंफ्लेमेशन का प्रोसेस हो रहा होता है इन द अल्जाइमर डिजीज, जिसमें न्यूरॉन्स जिसकी ब्रेकडाउन, जिससे इंफ्लेमेशन से ही होती है ना न्यूरॉन्स की ब्रेकडाउन, तो वो जो इंफ्लेमेशन को जो है स्टॉप करते हैं. तो इस तरह से हम इन ग्रोथ फैक्टर्स को यूज करके इसको इसके सिम्टम्स को इम्प्रूव कर सकते हैं. दिस इज द थर्ड अप्रोच. फर्स्ट क्या थी कि हम अमायलॉइड फॉर्मेशन को जो है ब्लॉक करें. सेकेंड क्या थी, उसकी डीग्रेड डिपोजिशन जो की हो चुकी है उसको डीग्रेड करें. थर्ड क्या है कि हम उसके सिम्टम मेमोरी लॉस को ही इम्प्रूव कर दें. अब नेक्स्ट फोर्थ इसकी एक अप्रोच है. फोर्थ अप्रोच क्या है कि अमायलॉइड क्या है बेसिकली, इट्स एन कोलेस्ट्रॉल. तो हम कोलेस्ट्रॉल फॉर्मेशन ही जो है उसकी मेटाबॉलिज्म जो है उसको इम्प्रूव करें कि कोलेस्ट्रॉल जो है वो ज़्यादा बने ही ना. अब कोलेस्ट्रॉल नहीं बनेगा बॉडी में तो ऑब्वियसली उसके डिपोजिशन भी नहीं हो सकते. ठीक है, ग्रोइंग एज ओल्डर एज में क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया, हाइपरटेंशन हो गई, उससे क्या होता है कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा होने की वजह से उसके डिपोजिशन वेसल्स में ओवरऑल बॉडी में भी जो है होने शुरू हो जाते हैं और ब्रेन में जाके भी डिपोजिशन स्टार्ट हो जाती है. ठीक है, तो अगर हम ओल्डर एज में भी इसको कंट्रोल करें कोलेस्ट्रॉल लेवल को, कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म को,
तो इसको इम्प्रूव किया जा सकता है, मॉलर डेपोजिशन से बचाया जा सकता है. दिस इज द फोर्थ अप्रोच. द डेवलपमेंट ऑफ अल्जाइमर डिजीज इज क्लोजली कनेक्टेड विद कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म. Cholesterol increase the production and deposition of amyloid beta peptidase. They result in the formation of amyloid plaques, a hallmark of the pathology. Pathology यही है ना कि amyloid deposition होती है. तो cholesterol जितना ज़्यादा होगा, amyloid deposition जो है, उतनी ज़्यादा होगी. Both genetic inactivation and pharmacological inhibition of the cholesterol ester synthetic enzyme. ये enzyme है basically cholesterol acyl transferase. इसकी जीन है ACAT1. ये इंसान क्या करते हैं, कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है, कोलेस्ट्रॉल फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है. ठीक है, तो अगर हम इस जीन को इनएक्टिवेट कर दें, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल फॉर्मेशन जो है वो ना हो, तो इस तरह से हम इसको जो है प्लाक फॉर्मेशन को रोक सकते हैं. एंड इट दिस जीन हैज शोन बेनिफिट इन माउस मॉडल ऑफ अल्जाइमर डिजीज. Adeno-associated virus-mediated ACAT1 gene knockdown. अब इसमें हम क्या करेंगे, knockdown करेंगे इस जीन का. जो हमारी बॉडी में जीन है ACAT1, जो बेसिकली cholesterol acyl transferase enzyme के लिए है, और ये enzyme किस में इन्वॉल्व है, cholesterol formation में. तो अगर हम इस जीन को ही knockdown कर दें, inactivate कर दें, तो क्या होगा, वो enzyme ही नहीं बनेगा जिसकी वजह से cholesterol formation हो रही है. तो इस तरह से कोलेस्ट्रॉल नहीं बन रहा, मतलब कोलेस्ट्रॉल नहीं बन रहा तो फिर डेपोजिशन भी नहीं होगी ऑब्वियसली. तो ये दिस इज द फोर्थ अप्रोच कि हम कोलेस्ट्रॉल फॉर्मेशन की जो है वो उसको ब्लॉक कर दें. ये वही कोलेस्ट्रॉल का ही आगे एक्सप्लेन किया गया. इन द ब्रेन कोलेस्ट्रॉल इज सिंथेसाइज्ड इन सिटू बट कैन नॉट बी डिग्रेडेड नॉर क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर. The major exportable form of brain cholesterol is 25-hydroxycholesterol, जो कि ब्रेन में जाती है, and oxysterol generated by the neuronal cholesterol. ठीक है, न्यूरॉन्स बेसिकली कोलेस्ट्रॉल आपको पता है ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस नहीं करता, उसके ब्रेन का जो है अपने सेल्स हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल फॉर्मेशन कर रहे होते हैं. इंजेक्शन ऑफ एडीनो एसोसिएटेड वायरस इनकोडिंग, इसकी जो प्रॉपर जीन है CYP46A1 इन द कॉर्टेक्स एंड हिप्पोकैम्पस जो है इसने रोल प्ले किया है कि जी इसकी ये कोलेस्ट्रॉल फॉर्मेशन जो ब्रेन में उसको इफेक्ट कर सकता है. तो इस तरह से हम डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे से जो है वो अल्जाइमर डिजीज को कंट्रोल कर सकते हैं बाई यूजिंग जीन थेरेपीज. इसमें कोई क्वेश्चन है अल्जाइमर डिजीज की जीन थेरेपी में तो पूछ लो आप लोग. हाँ जी बच्चों, आप लोगों का कोई क्वेश्चन है? मैम, ये ब्लड ब्रेन बैरियर का कॉन्सेप्ट सही समझ नहीं आया. किसका? ब्लड ब्रेन बैरियर का, जो आपने कहा ना कोलेस्ट्रॉल एंटर नहीं होती, तो अगर एंटर नहीं होती तो मैम ये सारा इफेक्ट कैसे होता? ब्लड ब्रेन बैरियर बेसिकली जो है क्रॉस नहीं करता, जो ह्यूमन बॉडी में बन रहा होता है ना, हमारे सेल्स के अपने स्पेसिफिक सेल्स हैं जो अपना कोलेस्ट्रॉल बना रहे हैं. इसका स्पेसिफिक कोलेस्ट्रॉल जो ब्रेन को एक्सपोर्टेबल फॉर्म है ना, वो ये है 24-hydroxycholesterol. ये जो है एक्सपोर्ट करता है या लिपिड्स को टू द ब्रेन. ठीक है, फिर ब्रेन के अपने सेल्स जो हैं वो उसको मॉडिफाई करके इसमें अमोलाइड में कन्वर्ट करते हैं. तो अगर हम इस एक्सपोर्टेबल फॉर्म जो है जो एक्सपोर्ट कर रही है इसको जो है मिनिमाइज कर दें, तो इस तरह से वो एक्सपोर्ट नहीं होगा कोलेस्ट्रॉल बेसिकली टू द ब्रेन. ऑक्सीस्टीरोल है जनरेटेड बाय द न्यूरोनल कोलेस्ट्रॉल 25-hydroxylase एंजाइम. अब यहाँ पे भी एंजाइम, ये देखो ये एंजाइम है ना जो कोलेस्ट्रॉल को बना रहा है ब्रेन के अंदर, कौन सा 24-hydroxylase एंजाइम. ठीक है, और इसकी जीन है CYP46 जो है A1. तो अगर हम इस जीन को नॉकडाउन कर दें ब्रेन के अंदर, तो वो फिर जो है कोलेस्ट्रॉल फॉर्मेशन जो है ऑटोमेटिकली रुक जाएगी और डेपोजिशन जो है वो कंट्रोल हो जाएगी. ठीक है, दिस इज फॉर द ब्रेन सेल्स और दिस इज द इन द बॉडी ACAT1A1 जो है ना, ये ओवरऑल बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल फॉर्मेशन हो रही है ये इसमें ये एंजाइम इन्वॉल्व है कोलेस्ट्रॉल एसाइल ट्रांसफरेज,
और जो आगे ब्रेन में जो एंजाइम इन्वॉल्व है 24-hydroxylase और इसकी एक्सेप्टर जीन है, तो ब्रेन के लिए हमें इस जीन को इंसर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और जो ओवरऑल बॉडी में जो है वो ACAT1 जो है जीन को इंसर्ट करना होगा या नॉकडाउन करना होगा बस, ठीक है। अब नेक्स्ट चलें, नेक्स्ट है पार्किंसन डिजीज। पार्किंसन्स डिजीज क्या होती है? और आप लोग बताओ जरा पार्किंसन्स डिजीज क्या होता है? ये डीजनरेटिव डिजीज होती है, डोपामिन के लेवल कम हो जाते हैं, मूवमेंट भी कम हो जाती है। डोपामिन में क्या होता है? डोपामिन के लेवल्स कम हो जाते हैं और डीजनरेट हो जाते हैं, फिर लिवर डोपा देनी पड़ती है। मैम वॉलंटरी कंट्रोल जो है खत्म हो जाता है इसमें, बेसिकली डोपामिन जो है, डोपामिन के लेवल जो है वो डिक्रीज हो जाता है, उसकी बायोसिंथेसिस नहीं हो रही होती ड्यू टू द एंजाइम इन्वॉल्वमेंट। इसमें प्रॉपर एंजाइम हर जितने भी हमारे बॉडी में चीज़ें बन रही हैं, मेटाबॉलिज्म हो रहा है, मेटाबॉलिज्म में दोनों चीज़ें आती है ना, एनाबॉलिज्म भी और कैटाबॉलिज्म भी। एनाबॉलिज्म क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ लार्जर सब्सटेंसेस फ्रॉम द स्मॉलर सब्सटेंसेस, जैसे कोलेस्ट्रॉल बन रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल कहाँ से बन रहा है? फैटी एसिड से, ठीक है। तो इस सारे प्रोसेस में इंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, तो इसमें जो बेसिकली डोपामिन फॉर्मेशन में जो इंजाइम्स इन्वॉल्व हैं उनकी वजह से या उनकी डिफेक्टिव की वजह से जो है डोपामिन की डिक्रीज लेवल होना शुरू हो जाता है ब्रेन में, जिसकी वजह से न्यूरो डिजनरेशन होती है, नर्व सेल्स जो हैं उनकी डिजनरेशन स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से साइकेट्रिक सिम्टम्स जो हैं वो अपीयर होना शुरू होते हैं। Parkinson's disease is a progressive neurodegenerative disease characterized by selective degeneration of dopaminergic neurons in the substantia nigra pars compacta and severe decrease in striatal dopamine content. Basically, sole content क्या है? Dopamine concentration जो है decrease हो जाती है। इसके जो क्या होगा? Rigidity, bradykinesis, इसके अलावा जो tremors, postural stability, ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें symptoms, cardinal signs है, cardinal जो basic signs होते हैं किसी भी disease के। Gene therapy for Parkinson's disease focus on symptomatic approach, इसके दो तरह के approach हैं। Symptomatic approach जो कि enzymes को basically focus करेगी, enzyme replacement को जो dopamine की formation में involved हैं। Second approach इसकी क्या होगी? Disease modifying approach, डिजीज को जो है हम मॉडिफाई कर दें बाय यूजिंग ग्रोथ फैक्टर्स, ठीक है। तो इसकी दो तरह की अप्रोच है, या तो हम जो है उसकी डोपामाइन फॉर्मेशन में जो इंजाइम्स इन्वॉल्व हैं उसको फोकस करें, या फिर हम डिजीज को ही मॉडिफाई कर दें बाय यूजिंग ग्रोथ फैक्टर्स। ग्रोथ फैक्टर्स क्या होते हैं? जितनी भी हमारे सेल्स में ग्रोथ हो रही है, हर एक का एक ग्रोथ फैक्टर होता है। हाँ जी मैम, यही बता रही थी कि ग्रोथ फैक्टर हमारी बॉडी की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। जितने भी सेल्स की ग्रोथ हो रही है उन सब में के लिए ग्रोथ फैक्टर्स रिक्वायर हैं, ठीक है, जितने भी सेल्स हैं। तो अगर हम उन ग्रोथ फैक्टर्स का लेवल इंक्रीज कर दें तो उस स्पेसिफिक सेल्स की जो फॉर्मेशन है वो बॉडी में इंक्रीज हो सकती है, या उन ग्रोथ फैक्टर्स का लेवल हम कम कर दें तो उन स्पेसिफिक सब्सटेंसेस की जो फॉर्मेशन है वो कम की जा सकती है। तो ग्रोथ फैक्टर को कंट्रोल करने से हम बॉडी की जो ओवरऑल फॉर्मेशन ऑफ सेल्स है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, बट इट्स अ मल्टीफैक्टोरियल ऑब्वियसली, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, नॉट ओनली ग्रोथ फैक्टर्स, तो वो फिर जो है चीज़ें आ जाती हैं साथ साथ। तो फर्स्ट हम देखेंगे सिम्टोमेटिक अप्रोच जो कि इंजाइम्स को इन्वॉल्व कर रही है। इसमें तीन इंजाइम्स बेसिकली इन्वॉल्व होते हैं डोपामिन फॉर्मेशन में, कौन से? टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज, सेकेंड क्या है? एरोमेटिक वन अमाइनो एसिड डी कार्बोक्सिलेज, इसको AADC भी कह रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा गोनासिन ट्राईफॉस्फेट साइक्लोहाइड्रोलेज GCH जिसको कहा जाता है, ठीक है। तो दीज आर द थ्री इंजाइम जो इन्वॉल्व हैं डोपामिन फॉर्मेशन में, दीज आर द की इंजाइम फॉर डोपामिन बायोसिंथेसिस। इंट्रास्ट्रेशियल एक्सप्रेशन ऑफ दीज जीन्स कैन कंपनसेट for the decreased level of dopamine synthesis, ठीक है। मतलब अगर इनको इनका expression increase करा दिया जाए इन genes का, तो इसकी biosynthesis को overcome किया जा सकता है कि वो increase हो सकती है।
एडीनोसिसिएटेड वीएडीसी जो है एरोमेटिक अमाइनो एसिड डीकार्बोक्सिलेज जो है उसकी जीन इंसर्ट की गई माइस में रैट्स में और उसने इफेक्ट शो किया प्रॉपर इफेक्ट शो किया कि वो डोपामिन की सिंथेसिस को इंक्रीज करा सकते हैं क्योंकि वो करता क्या है बेसिकली इट इनहांस द कन्वर्शन ऑफ एल डोपा क्या है उसका प्रीकर्सर एंजाइम है हर एक एंजाइम के पहले एंजाइम कह रही है हर सब्सटेंस के पहले प्रीकर्सर्स होते हैं ना उन प्रीकर्सर्स को यूज करके एक हमारे पास रिक्वायर्ड सब्सटेंस बनता है तो डोपामिन का प्रीकर्सर एंजाइम कौन सा है एल डोपा तो ये क्या करेगा एंजाइम एएडीसी ये एल डोपा को जो है इनहांस करेगा उसकी सिंथेसिस को डोपामिन में इसके अलावा जो है सोल डिलीवरी ऑफ टीएच टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज अगर हम उसको अकेला जो है करते हैं ट्रांसफर करते हैं तो वो इसको बहुत सारा फंक्शनल इम्प्रूवमेंट नहीं लेके आता लेकिन अगर उसको कोर डिलीवरी की जाए उसके साथ कोर डिलीवरी मतलब एक सेकेंड एंजाइम के साथ यूज करें तो वो इसको मोस्ट इफेक्टिव वे है ठीक है और आजकल जो है ज्यादातर इसीलिए यही यूज किया जा रहा है कि इन तीनों को इकट्ठा जो है वो किया जाए ताकि जो है हमारे पास बेहतर रिजल्ट्स आए और इसको जो है को डिलीवरी इसके साथ की भी गई को एक्सप्रेशन ऑफ टीएच एंड एएडीसी ठीक है एरोमेटिक अमाइनस डीकार्बोक्सिलेज और टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज जो दो एंजाइम है इनका को एक्सप्रेशन कराया गया बाय यूजिंग टू सेपरेट एडीनो एसोसिएटेड वायरस दो सेपरेट वेक्टर्स लेके इन दोनों को इकट्ठा इंसर्ट किया इकट्ठा इनका एक्सप्रेशन कराया गया तो इसके इफेक्ट्स ज्यादा बेनिफिशियल थे एज कम्पेयर टू अगर एएडीसी को अलोन किया जाए दिस रिजल्ट इन मोर इफेक्टिव डोपामिन प्रोडक्शन एंड बिहेवियर रिकवरी इन 6-हाइड्रोक्सी डोपामिन एंड पार्किंसंस रैट्स कम्पेयर्ड विद रैट्स रिसीविंग एवीटीएच अलोन ठीक है टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज अगर अकेला किया जाए या फिर अगर वो को एक्सप्रेशन में करे तो एक को एक्सप्रेशन के ज्यादा अच्छे इफेक्ट्स आते हैं एंड दिस इज द सेकेंड अप्रोच कि हम डिजीज बिहेवियर को मॉडिफाई कर दें बाय यूजिंग ग्रोथ फैक्टर्स वो क्या है न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर्स जो नर्व सेल्स को कंट्रोल कर रहे होते हैं ना जो नर्व सेल्स के ग्रोथ फैक्टर्स हैं न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर्स जो है इसमें इंड्यूस किए जा सकते हैं इंक्लूडिंग ग्लाइल सेल लाइन ड्राइव न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर GDNF कहा जाता है यहाँ पे न्यूरोट्रेन NTN have potent tropic activity on dopaminergic neurons and play essential role in the protection and restoration of neuronal cells. Basically, nerve cells degenerate होते हैं ना तो ये क्या करेंगे उन nerve cells की जो regeneration में जो है help कर The beneficial effect of viral and encapsulated cell modified GDNF expression on जो है nigrostriatal degeneration and motor defects were effective in this way matlab isme ex vivo technique hui na ye wali the beneficial effect of viral and ek to viral technique bhi use ki ja sakti iske liye encapsulated cell jo hai unko mediate kiya gaya by this factor neuronal factor aur phir jo hai unko reimplant kiya gaya to us wajah se neuronal jo hai degeneration usko kam kiya ja sakta hai so this is the second approach for Parkinson's disease थर्ड वन इज द हंटिंगटन्स डिजीज ये कौन सी डिजीज होती है कब डेवलप होती है बेसिकली हंटिंगटन डिजीज जो है HTT जीन है ठीक है उसमें डिफेक्ट की वजह से जो है इन्वॉल्व होती है इस डिफेक्ट की वजह से वो ही न्यूरो डिजनरेशन स्टार्ट हो जाती है और मोटर नर्व्स जो है मोस्टली जो है वो डैमेज होती है इससे हंटिंगटन डिजीज इज एन ऑटोसोमल डोमिनेंट न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज ठीक है कॉज ऑटोसोमल क्या होता है ऑटोसोमल हाँ जी बॉडी के अपने सेल्स जो हैं वो न्यूरोडिजेनरेशन की तरफ ले जाते हैं कौन से सेल लाइक कॉज बाय अ CAG ट्राइन्यूक्लियोटाइड के इसमें HTT जीन जो है उसमें CAG जो ट्राइन्यूक्लियोटाइड है उसकी रेपिटेशन हो जाती है म्यूटेशन आ जाती है जिसकी वजह से ये डिजीज डेवलप होती है वो क्या करता है इस रेपिटेशन की वजह से क्या होता है
कि ये इस रेपिटेशन की वजह से ये जो जीन है वो ट्रांसलेट हो जाएगी इनटू एक्सपेंडेड पॉलीग्लूटामाइन ट्रैप द कॉरिस्पॉन्डिंग प्रोटीन, वो प्रोटीन जो एबनॉर्मली फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगी. क्लिनिकल फीचर ऑफ टंगटन डिजीज आर प्रोग्रेसिव मूवमेंट डिसऑर्डर, इसके अलावा कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, जितने भी हमारे कॉग्निशन लेवल है, परसेप्शन का लेवल है वो इम्पेयर हो जाएगा, एंड साइकेट्रिक डिस्टर्बेंस. There is no effective therapy for Huntington disease yet, hence urging the need to develop novel therapeutic strategies. अभी तक कोई effective इसकी नहीं आई therapy. लेकिन इसको control किया जा सकता है because it's a single gene disorder. एक gene की वजह से develop हो रही है, तो हम इसको लेके आ सकते हैं, इसकी therapy आ सकती है in future, और जो कि control कर सकती है इसकी disease को. आज जो इसके लिए मोस्टली यूज हो रही है वो आरएनए की जो है, आरएनए वेरिएंट्स यूज हो रहे हैं. लाइक हमने कुछ आरएनए की टाइप्स पढ़ी थी जो इंटरफेरेंस आरएनए थे, ठीक है, इंटरफेरेंस या शॉर्ट इंटरफेरिंग आरएनए भी थे ना. क्या फंक्शन होता है उनका? शॉर्ट इंटरफेरिंग आरएनए आरएनए की टाइप है. क्या फंक्शन होता है? मैम जरा दोबारा रिपीट कीजिएगा क्वेश्चन. शॉर्ट इंटरफेरिंग आरएनए का फंक्शन क्या है? स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए, शॉर्ट इंटरफेरिंग आरएनए और इंटरफेरिंग आरएनए इज द सेम थिंग. इनका फंक्शन क्या था कि जब एक जीन अपने आप को एक्सप्रेस करती है इनटू द मैसेंजर आरएनए, तो ये आरएनए में कैपेसिटी होती है कि वो उस मैसेंजर आरएनए को डिग्रेड कर सकते हैं, इंटरफेयर कर सकते हैं, उसकी जो है वो इंटरफेरेंस करते हैं उसके साथ कि वो अपने प्रोटीन फॉर्मेशन नहीं होती उससे, ठीक है. तो इसलिए हम इनको स्मॉल इंटरफेरेंस आरएनए कहते हैं. इंटरफेरेंस क्या होता है? किसी भी काम में इंटरफेयर करना ना. तो ये स्मॉल इंटरफेरेंस आरएनए क्या करते हैं? बेसिकली जो मैसेंजर आरएनए बना है उसको डिग्रेड कर देते हैं, इस तरह से जीन एक्सप्रेशन को इंटरफेयर कर देते हैं, जीन का एक्सप्रेशन नहीं होने देते, ब्लॉक कर सकते हैं किसी भी जीन के एक्सप्रेशन को. तो इसमें बेसिकली हम आरएनए, स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए जो है वो इंट्रोड्यूस करा सकते हैं जो इस जीन, इस म्यूटेटेड जीन के एक्सप्रेशन को ब्लॉक कर सकती है. तो दिस इज द ओनली सोल ट्रीटमेंट दैट इज अवेलेबल फॉर द Huntington disease, और ये भी प्री क्लिनिकल अभी स्टेजेस पे. रिड्यूसिंग म्यूटेंट एचटीटी एक्सप्रेशन में ऑफर अ ट्रीटमेंट फॉर Huntington disease. आरएनए इंटरफेरेंस दैट ब्लॉक्स प्रोडक्शन ऑफ द डिसफंक्शनल एचटीटी, ठीक है. आरएनए इंटरफेरेंस का फंक्शन अगर आपको पता है कि वो ब्लॉक कर सकता है किसी भी जीन के एक्सप्रेशन को, ठीक है. हमने उस वक्त भी पढ़ा था कि आप ये थेरेप्यूटिक यूज में यूज हो रहे हैं इंटरफेयरिंग आरएनए. तो इस तरह से हम उस इस डिसफंक्शनल जीन के एक्सप्रेशन को ब्लॉक कर सकते हैं. तो दिस इज द जीन थेरेपी फॉर Huntington डिजीज. नेक्स्ट है एमायोट्रॉपिक लेटरल स्क्लेरोसिस. ये भी बेसिकली जो है डिजनरेटिव डिजीज है लिम्स की, पेरिफ्रीज की, ठीक है, मूवमेंट जो है और लिम मूवमेंट जो है इसमें इम्पेयर होती है. एलएस इज आल्सो रेफर्ड एज लॉरियस डिजीज, इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रोग्रेसिव डिजनरेशन ऑफ लोअर एंड अपर मोटर न्यूरॉन्स, ठीक है, इन द सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ब्रेन स्टेम एंड स्पाइनल कॉर्ड. देयर न्यूरोनल लॉस कॉज वीकनेस, फास्टिसिटी एंड मस्कुलर एट्रोफी एंड इवेंचुअली लीड्स टू डेथ विदिन 2 to 5 years ऑफ ऑनसेट, जनरली ड्यू टू रेस्पिरेटरी फेलियर. ठीक है, बेसिकली नर्व्स की मूवमेंट को कंट्रोल कर रही है ना ये डिजीज. जो मोटर नर्व्स हैं, न्यूरॉन्स हैं, उनका लॉस होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है. तो जब वो मसल्स जो हैं वो इफेक्ट हो जाएंगे ड्यू टू दैट न्यूरोनल नर्व्स, ठीक है, जो अपर मोटर न्यूरॉन्स और लोअर मोटर न्यूरॉन्स, उनमें से कुछ ऑब्वियसली लंग्स को भी जो है नर्व्स नर्व इम्पल्शन दे रहे हैं, तो उन नर्व्स के जो है डीजनरेट होने की वजह से रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है. और ये डिजीज जो है सीवियर डिजीज है कि इसमें डेथ भी हो सकती है. पैथोजेनिक म्यूटेशन इन सुपरऑक्साइड डिसम्यूटेज एंड टार डीबीपी जीन इनकोडिंग टार डीएनए,
binding protein 43 are widely known to be associated with amyotrophic disease. ठीक है, मतलब इसमें सुपर कुछ इंजाइम्स हैं जो के नहीं बन रहे होते, जो ऑक्सीडेंट हमारे जब भी कोई मेटाबॉलिज्म होते हैं तो उसमें ऑक्साइड रेडिकल्स भी बनते हैं, सुपर ऑक्साइड रेडिकल्स आपने पढ़े होंगे, ठीक है, जो कि बॉडी में वैसे जो है उनको न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है, स्पेसिफिक इंजाइम्स होते हैं, लेकिन अगर वो इंजाइम ना हो उन स्पेसिफिक एरियाज में तो फिर वो सुपर ऑक्साइड रेडिकल्स जो है वहाँ पे रीजनरेशन का प्रोसेस शुरू कर देते हैं, ठीक है, सेल्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं, बिल्कुल इसी तरह इसमें भी इसी तरह से हो रहा है कि सुपर ऑक्साइड रेडिकल्स जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं और वहाँ पे न्यूरॉन्स को जो है डैमेज करना शुरू हो जाते हैं, और इसमें मोस्टली अपर एंड लोअर मोटर न्यूरॉन्स जो है वो डैमेज होते हैं। ये जो है acquired भी हो सकती है, congenital भी हो सकती है। मैं acquired होती है तो फिर इसकी causes क्या होते हैं? Mostly जो है like जैसे Alzheimer's disease it's an acquired, आप cholesterol जो है वो हो सकता है, cholesterol increase होने की वजह से, उसके बाद जो है Parkinson's disease जो है उसमें फिर क्या हो सकती है वो congenital या क्या थी वो? कोई रेडिएशन आपकी बाद में इफेक्ट हुआ, कोई टेस्ट कराया रेडिएशन से गुजरे, या आपका प्रोफेशन ऐसा है जो रेडिएशन इन्वॉल्व है, तो ये म्यूटेशन एक्वायर्ड भी हो सकती है, ये जेनेटिकली भी हो सकती है। ठीक है, तो ये भी एक्वायर्ड भी हो सकती है, जेनेटिकली भी हो सकती है, या तो जीन लेवल में ही वो इफेक्ट आ जाए या फिर उसका जो बायोसिंथेसिस प्रोसेस है वो बाद में इन द लाइफ जो है वो इफेक्ट हो जाए। द ओनली थेरेपी अप्रूव्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ALS इज राइजोल, एन एंटी ग्लूटामेटर्जिक सब्सटेंस है दैट ब्लॉक प्रीसिनेप्टिक रिलीज ऑफ ग्लूटामेट विच कैन स्लो द लॉस ऑफ स्ट्रेंथ इन लिम्ब मसल्स। बेसिकली इसकी जो थेरेपी अभी आई है वो सिर्फ लिम्ब मसल्स की मूवमेंट को इम्प्रूव करेगी, वो भी और सिर्फ फ्यू मंथ्स का जो है वो हमारा इंक्रीज करेगी ड्यूरेशन ऑफ लाइफ उस पेशेंट का। ठीक है, मतलब इसमें कोई ऐसी लाइफ लॉन्ग थेरेपी अभी नहीं आई होगी इस डिजीज की। स्ट्रोक्स क्या होते हैं? ब्रेन को नहीं जाता ब्लड सप्लाई तो डेथ होना शुरू हो जाती है, तो वो स्ट्रोक कॉज करती है कि उसमें पैरालिसिस भी हो सकता है और इवन की डेथ भी हो सकती है। बेसिकली स्पेसिफिक सेल्स या सेल पार्ट तो जो है ब्लड सप्लाई जो है ब्लॉक हो जाती है। ठीक है, वो या तो किसी वेसल के ब्लॉक होने की वजह से हो सकती है या ड्यू टू द इंजरी कि वहाँ पे कोई वेसल जो है बर्स्ट हो गई है, वहाँ पे जो हिमाटोमा बन गया है और फिर नेक्स्ट सेल्स को जो है ब्लड सप्लाई रुक गई है, तो ये दो तरह के जो है वो स्ट्रोक हो सकते हैं। देर आर टू मेन टाइप्स ऑफ स्ट्रोक, इस्केमिक एंड हिमरेजिक स्ट्रोक्स। इस्केमिक क्या होते हैं? स्ट्रोक्स हैपन व्हेन एन आर्टरी दैट कैरीज ब्लड टू द ब्रेन इज ब्लॉक्ड, व्हाइल हिमरेजिक स्ट्रोक्स में क्या होता है? ऑफन रिजल्ट फ्रॉम सब अरेक्नॉइड हेमरेज, कहीं पे सर लगा इंजरी हो गई उसकी वजह से जो होता है ये सब अरेक्नॉइड हेमरेज। व्हेन अ सेरेब्रल एन्यूरिज्म बर्स्ट ब्लीड्स इनटू द ब्रेन, इंट्रा जो है क्रेनियल जो है ब्लीडिंग स्टार्ट होती है जब, एंड द ब्लड फॉर्म्स हिमाटोमा दैट प्रोड्यूस पास ऑफ सेरेब्रल वेसल्स। सेरेब्रल वेसल्स कंप्रेस हो जाती हैं और वहां पे ब्लड सप्लाई जो है वो इम्पेयर हो जाती है। जीन ट्रांसफर अप्रोच में रिड्यूस इफेक्ट्स ऑफ सेरेब्रल इस्कीमिया और सब अरेक्नॉइड हेमरेज। ठीक है, जीन ट्रांसफर इसको इम्प्रूव कर सकती है, इसका भी कोई लाइफ टाइम जो है अभी तक वैसी थेरेपी नहीं है। इस्केमिक इंड्यूस एपोप्टोसिस, इसमें अब क्या एपोप्टोसिस को इंक्रीज कर दिया जाता है या फिर एंटी इंफ्लेमेटरी जो है साइटोकाइन्स यूज किए जाते हैं एपोप्टोसिस को? क्यों? क्योंकि वो जो ब्लॉक बना हुआ है बेसिकली उसमें भी तो सेल्स ही है ना, तो उन सेल्स की प्रोग्राम सेल डेथ जो इंक्रीज कर दी जाती है बाई यूजिंग फैक्टर्स, प्रॉपर फैक्टर्स, प्रॉपर जीन्स।
ठीक है। और इसके साथ जो है ऐसी जीन्स भी इंसर्ट की जाती हैं इसके साइड इफेक्ट से बचाने के लिए कि ह्यूमन जो सेल्स हैं बाकी नॉर्मल सेल्स वो इसके इफेक्ट से मिनिमाइज रहें, ठीक है, उन पे ज़्यादा इफेक्ट ना हो। इसके अलावा जो इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस होता है उसके लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी जो साइटोकाइंस जो है वो यूज किए जा सकते हैं। इंट्राक्रेनियल इंजेक्शन ऑफ एन एडीनोवायरस फैक्टर ओवर एक्सप्रेशन न्यूरोनल एपोप्टोसिस इनहिबिटरी प्रोटीन रिड्यूस इस्केमिक डैमेज इन द रैट हिप्पोकैम्पस। इंजेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट एडीनोवायरल वेक्टर्स कैरिंग ह्यूमन सेंसिटिव टू एपोप्टोसिस जीन, के ह्यूमंस में एपोप्टोसिस जीन के सेंसिटिव जीन जो है जो एपोप्टोसिस ना कराए ताकि ब्रेन सेल्स जो हैं वो कम से कम जो हैं वो इफेक्ट हों, वो इंसर्ट की जा सकती है ताकि एपोप्टोसिस ज़्यादा ना हो। प्रोटेक्टेड ब्रेन सेल फ्रॉम इस्केमिक ब्रेन इंजरी, क्योंकि जब ब्लड सप्लाई नहीं होती तो क्या होता है ब्रेन सेल डेथ होना शुरू हो जाती है ना, तो इसलिए एपोप्टोसिस ऐसी ही जीन्स जो है इंसर्ट की जाती हैं कि एपोप्टोसिस जो है सेल्स की नॉर्मल डेथ जो है वो ना स्टार्ट हो जाए। इसके अलावा एडीनो एसोसिएटेड वायरस मीडिएटेड BCL2 एंड BCLW जीन्स जो है वो डिलीवर की जा सकती हैं बिफोर इस्कीमिया ताकि जो है डिलेड इस्कीमिक न्यूरोनल डेथ जो है न्यूरोनल सेल्स की जो डेथ है उसको डिले किया जा सके। मतलब हेमरेज तो हो गया लेकिन आप जो डेथ है रेट वो बहुत ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है इस पर आगे लाइफ जो है डिपेंड करेगी, तो ये इनके जो सेल डेथ है उसको डिले किया जा सकता है। इट कैन इफेक्टिव इन रिडक्शन इन इन्फार्क्ट साइज, जो इन्फार्क्शन होगा जो वहाँ पे जो है साइज जो है सेल्स जो है इफेक्ट होंगे उस साइज को जो है कम किया जा सकता है। इसके अलावा इम्प्रूवमेंट इन न्यूरोलॉजिकल फंक्शन, अब सेल्स कम इफेक्ट होंगे तो ऑब्वियसली न्यूरोलॉजिकल फंक्शन जो है वो इम्प्रूव होंगे। दीज रिजल्ट इम्प्लाइड दैट एंटी एपोप्टोसिस जीन इंटरवेंशन प्रायर टू इस्कीमिया मे बी एन इफेक्टिव थेरेप्यूटिक स्ट्रेटजी फॉर स्ट्रोक। इंट्रासेरिब्रोवेंट्रिकुलर इंजेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट एडीनोवायरस वेक्टर कैरिंग द ह्यूमन इंटरल्यूकिन-1 रिसेप्टर, अब इंटरल्यूकिन-1 रिसेप्टर जो है साइटोकाइन है जो इन्फ्लेमेशन में इन्वॉल्व होते हैं, तो अगर हम एंटी इन्फ्लेमेटरीज का यूज करें साइटोकाइन को, ठीक है, तो इसको इन्फ्लेमेशन को स्टॉप किया जा सकता है। इंटरल्यूकिन वन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट यूज करेंगे हम, एंटागोनिस्ट क्या होते हैं अपोजिट, ठीक है, जो इंटरल्यूकिन के इफेक्ट को खत्म कर देंगे ब्लॉक कर देंगे, तो इसके एंटागोनिस्ट हम यूज करेंगे ताकि इंटरल्यूकिन वन जहाँ पे इन्फ्लेमेशन तभी स्टार्ट होगी इंटरल्यूकिन वन से स्टार्ट होती है, इंटरल्यूकिन वन फिर अगले साइटोकाइंस को जो है वो एक्टिवेट करता है फिर वो अपना इफेक्ट करते हैं, इस तरह से इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, ठीक है, तो अगर हम इंटरल्यूकिन वन को ही स्टॉप कर दें तो फिर अगले साइटोकाइंस भी वो एक्टिवेट नहीं होंगे, तो इस तरह से इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस जो है स्टॉप किया जा सकता है। तो इसमें हम एंटी इन्फ्लेमेटरी जो है वो यूज कर सकते हैं ताकि इन्फ्लेमेशन जो है उसको मिनिमाइज किया जाए। इसके अलावा न्यूरोवैस्कुलराइजेशन को इम्प्रूव किया जा सकता है, ये क्या एक वेसल्स डैमेज हो गई हैं तो उनकी दोबारा से रीजनरेशन जो है एंजियोजेनेसिस जो है उसको इम्प्रूव किया जा सकता है, ऐसे सेल्स या ऐसे ग्रोथ फैक्टर्स इंट्रोड्यूस कराए जाएं कि इस्कीमिया के बाद या स्ट्रोक के बाद जो वेसल्स डैमेज हुई हैं उनकी दोबारा से रीजनरेशन हो जाए। न्यूरोवैस्कुलराइजेशन इंड्यूस्ड बाय ग्रोथ फैक्टर्स मे रिप्रेजेंट अ रेशनल थेरेपी फॉर पेशेंट्स विद स्ट्रोक, ठीक है, स्ट्रोक हो गया वेसल डैमेज हो गई थी अब उसको इम्प्रूव कैसे किया जा सकते हैं, हम न्यूरोवैस्कुलराइजेशन ग्रोथ फैक्टर्स यूज कर सकते हैं। VEGF ग्रोथ फैक्टर है प्लेज अ रोल इन एंजियोजेनेसिस एंड इट्स एक्सप्रेशन इज एनहांस्ड इन द पोस्ट इस्कीमिक ब्रेन, जब इस्कीमिया हो जाते हैं तो फिर इस ग्रोथ फैक्टर का लेवल जो है नॉर्मली भी ज़्यादा हो जाते हैं, तो अगर हम इसका एक्सप्रेशन और ज़्यादा कर दें तो मतलब जो वेसल्स डैमेज हुए हैं वो जो है उसकी रीजनरेशन या एंजियोजेनेसिस दोबारा से हो सकती है। ये साइंटिस्ट ने जो इंजेक्टेड रिकॉम्बिनेंट एडीनोवायरस विद दिस जीन VEGF इस ग्रोथ फैक्टर की जीन जो इंसर्ट की थ्रू द लेटरल वेंट्रिकुलर ऑफ माइस बिफोर इस्कीमिया एंड रिपोर्टेड जीन थेरेपी सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव एनिमल सर्वाइवल, इट्स डिलेड न्यूरोनल डेथ एंड पोस्ट इस्कीमिक लर्निंग एबिलिटी।
However, it has been reported that early post ischemic systemic delivery of VEGF, which is also a potent permeability factor. अब इसका disadvantage भी हुआ. उसे इसको improve तो किया, इसे improve भी हुई. लेकिन इसका disadvantage क्या हुआ? कि VEGF जो है, ये permeability increase कर देता है. Blood brain barrier जो है, blood brain barrier की वजह से ही हमारे जो है सारी चीजें brain तक नहीं ना पहुंच सकती, ताकि brain हमारा सेफ रहे बाकी बॉडी की चेंजेस की वजह से. ठीक है, तो इससे क्या हुआ, VEGF क्या करेगा, परमेबिलिटी इंक्रीज कर देगा, जिसकी वजह से वाटर जो है और डिफरेंट जो हमारे है डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो इजीली चले जाएंगे ब्रेन के अंदर. तो इस वजह से एडिमा स्टार्ट हो जाएगा ब्रेन का. एडिमा क्या होता है? इंक्रीज इन इंटरस्टीशियल फ्लूइड. ठीक है, वाटर कॉन्टेंट, फ्लूइड कॉन्टेंट ज्यादा हो जाता है. ठीक है, तो इस तरह से ब्रेन एडिमा स्टार्ट हो गया था. तो दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ दिस यूजिंग दिस ग्रोथ फैक्टर. मेनी ग्रोथ फैक्टर्स हैव बीन रिपोर्टेड टू हैव न्यूरोप्रोटेक्टिव इफेक्ट ऑफ ब्रेन इस्केमिक इंजरी. इसके अलावा भी ग्रोथ फैक्टर्स हैं जो यूज हो रहे हैं. हाउएवर ओनली अ फ्यू जीन्स ऑफ दीज न्यूट्रोफिन्स इंक्लूडिंग BDNF, GDNF एंड NGF हैव बीन डिलीवर्ड वी आर रिकॉम्बिनेंट एडेनोवायरस फैक्टर्स फॉर स्ट्रोक जीन इंटरवेंशन. ठीक है, मतलब और भी चीन है लेकिन कुछ ही अभी ग्रोथ फैक्टर्स यूज हुए हैं जो कि इसको इंप्रूव कर सकते हैं. नेक्स्ट कंक्लूजन इसका क्या है? कंक्लूजन क्या है कि बेसिकली वायरल वेक्टर सिस्टम को हम यूज कर सकते हैं फॉर इफेक्टिव जीन थेरेपी. वो क्या करेंगे, जीन को इंसर्ट करेंगे जीनोम में या लॉकडाउन कर सकते हैं उस जीन को और डिजीज को जो है इम्प्रूव किया जा सकता है. Viral vector system which are capable of inducing long-term expression of desired gene in neuronal population in the target brain region. Second is the conclusion kya hua is sab ko padhne ka, convention enhanced delivery technique which circumvent in the blood-brain barrier in delivering agents directly into the brain. Iske alawa cell encapsulated technology jo hai वो नॉन वायरल अप्रोच को जो है शो करती है, वो भी यूज हो सकती है ब्रेन. फैक्ट्स क्या है इस सब के बावजूद, जीन थेरेपी की इतनी इम्पोर्टेंस पढ़ने के बाद कि जी वो लाइफ टाइम एक्सप्रेशन करा सकती है ये वो, बट फैक्ट्स हमारे पास वही है. फैक्ट्स क्या है कि वायरल वेक्टर्स यूज करने के अपने बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं. ठीक है, वो ट्यूमर ग्रोथ की तरफ लेके जा सकते हैं, वो जो है इम्यून रिस्पॉन्स की तरफ, और ब्रेन में इम्यून रिस्पॉन्स आ जाए मतलब ब्रेन के सेल्स जो उसमें भी खत्म होने शुरू हो जाएंगे. ठीक है, अपने सेल्स तो वो भी इफेक्ट करेंगे. इसके अलावा बाकी जो है इसके साइड इफेक्ट्स अपने वेक्टर्स के. इसके अलावा जो है इट्स एन एक्सपेंसिव प्रोसीजर. दिस इज द मेन फैक्ट ऑफ दिस थेरेपी कि ये एक बहुत एक्सपेंसिव प्रोसीजर है जो हर कोई नहीं करा सकता देन द मेडिसिन. मेडिसिन तो हर कोई अप्रोच कर सकता है ना, ले सकता है. तो ये जीन थेरेपी जो है हर कोई नहीं करा सकता इसलिए, और इसके अपने बाकी सारे लिमिटेशंस हैं बहुत सारी. ब्रेन सेल्स जैसे हम बहुत उसकी क्लोनिंग नहीं कर सकते, दोबारा से री इम्प्लांट प्रॉपर नहीं किया जा सकता. तो ये चीज़ें जो हैं इसको इफेक्ट करती हैं इस थेरेपी को और इसके यूज होने को जो है इफेक्ट कर रही हैं. दीज आर द फैक्ट्स. तो समझ आई? हाँ जी बच्चों, आप सबको समझ आ गई है कि अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो. नहीं मैम आ गई. इतना आवाज आ रहा है वो. एक्सक्यूज मी मैम, ये एक पूरा रिसर्च आर्टिकल है तो हाउ आर वी सपोज टू मेमोराइज इट कम्प्लीटली जी? ये अगर एज अ लेक्चर आप इसको ले रही हैं कि ये पूरा लेक्चर है तो इसको हमने इसकी हर एक एक पॉइंट हर एक एक चीज की रिसर्च ऐसे से हुई तो ये सारी मुश्किल चीजें तो नहीं थी. अगर आप उसको समझ के थोड़ा दिमाग अटेंटिवली पढ़ो तो इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं था. बेसिक चीजें हैं. आपने ये जीन थेरेपी का जो है वो पढ़ा है कि जीन थेरेपी है क्या, तो उसी का यूज बताया गया कि हम किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं डिफरेंट जीन्स को. और ये वायरस जो एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस आप जीन थेरेपी में जो लेक्चर है उसमें भी पढ़ चुके हो. इसको मेमोराइज करना मुश्किल काम नहीं है बेटा. आपने वो बताया नहीं पैटर्न. मेरा पैटर्न है कि आपका जो सिलेबस है वो आपने याद कर दिया, उसमें से पेपर आएगा. मैम एमसीक्यूज होंगे या शॉर्ट?
मेरा मोस्टली वैसे जो है एमसीक्यू होंगे, लेकिन एससीक्यू भी ऐड होगा, वो एक होगा या दो होंगे वो डिपेंड करता है, ठीक है, बाकी एमसीक्यू जो है वो ज्यादा, लेकिन एससीक्यू भी ऐड करूंगी मैं। एक्सक्यूज मी मैम, मैम मैंने कैंडिडेट से आपसे बात की थी अपने एनरोलमेंट के हवाले से, पिछली क्लास से की थी, तो मैम आपने मेरे ना पोर्टल पे भी मार्क्स जो है ना क्विज में वो जीरो लगाए हुए हैं। मैंने सेक्शन ए में अपना क्विज दिया था और मैंने जो असाइनमेंट है वो भी वहीं सबमिट कराई है दोनों, तो आप प्लीज चेक कर लीजिएगा और मेरे मार्क्स लगा दीजिएगा। और मुझे मुझे ना ईमेल कर दो, अभी ईमेल कर दो अभी, मुझे अपना जो भी कंसर्न है मैं जाके ऑफिस में जाके फिर आपका देखती हूँ, ठीक है। मैम मैंने आपको ना ईमेल की भी है, लेकिन ना वो अगर आज की है तो ठीक है, मैं आज जाके देख लूंगी, अगर आज नहीं की तो दोबारा से वो ईमेल कर दो मुझे। चलें ठीक है, मैं आज कर देती हूँ। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम सलाम मैम, लास्ट क्लास में मेरी एब्सेंट लगी थी और मैंने हाँ वो क्लास ज्वाइन की थी लैपटॉप पे। एब्सेंट लगी हुई जी मैम। चले मैम लास्ट क्लास का तो चले ठीक है, कोई बात नहीं मैम। मैंने अपना पोर्टल चेक किया है, मेरे 6 से 7 एब्सेंट लगी हुई हैं। हाउ मैम आप तो रोजाना मतलब नहीं लगाते हैं। लास्ट क्लास की क्यों कह रहे हैं? लास्ट क्लास में आप सब सोए हुए थे इसलिए? नहीं नहीं मैम, लैपटॉप से कनेक्टेड था मेरा और उसका माइक नहीं चल रहा था। बेटा जी ऐसा कुछ नहीं था जी, लैपटॉप से आप कनेक्टेड थे या किसी और से आप सब। चले मैम लास्ट, चले मैम लास्ट की एब्सेंट लग गई ठीक है, नो इशू। मैं ये कह रहा हूँ कि 6 से 7 एब्सेंट लगी हुई है मेरी, मैंने पोर्टल चेक किया है तो मैम मैं दोबारा से देखूंगी, मेरे पास उसकी जो है वो ऑब्वियसली मैं रिकॉर्ड में से ही चेक करती हूं। पड़ी हुई है तो आपका जी रिकॉर्ड है ठीक है, उसी को चेक करके आपकी लगाई जाती है अटेंडेंस। ठीक है मैम, ठीक है, नो इशू मैम, काइंडली चेक कर लीजिएगा वो। थैंक यू, मेरे अटेंडेंस मार्क कर दीजिएगा, मेरा मोबाइल खराब हो गया तो फ्रेंड के मोबाइल से मैं क्लास ले रही हूं। ईमान जमील, अच्छा आप लोग लास्ट क्लास में सारे अभी भी चेक कर लूं? आज सब लोग सोए हुए थे, उठे हुए कर ले मैम चेक। हाँ जी मैम, मेरी अटेंडेंस मार्क कर दीजिएगा, एम ईमान जमील, मेरा मोबाइल मैडम मैं अटेंडेंस ले लेना पीछे करूंगी, आपके रिकॉर्ड से चेक कर लूंगी जिस जिसने किया हुआ चेक। बट मैम मेरा यहाँ पे नेम, मेरी फ्रेंड का नेम शो हो रहा है, तो फिर मेरे नेम से लगा लीजिएगा क्योंकि मेरा मोबाइल खराब हो गया था जी। सर मैम यहाँ पे जो नेम शो हो रहा है वो मिशाल यूनिस शो हो रहा है, वो मेरी फ्रेंड का मोबाइल है, तो मेरा नेम ईमान जमील है। आप फिर ईमेल कर दो मुझे जरा, मुझे याद नहीं रहेगा, मेरे पास 400 स्टूडेंट्स हैं। ओके मैम। मैम हमारा 50 मार्क्स का मिड होगा। बेटा मैं आप सबको ये बता दूंगी, आप अपना सिलेबस पढ़ो काइंडली, जो आप लोगों का काम है, जो आप लोगों का सिलेबस है वो याद करो, उसमें से 10 नंबर का है या 20 नंबर का है दैट्स नॉट मैटर। आप लोगों ने मार्क्स के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है, उसको प्रिपेयर तो आपको सारा करना पड़ेगा ना, तो इन चीजों को छोड़ कर जो पेपर पैटर्न क्या होगा, हमारा मार्क्स कितने होंगे, इन चीजों को छोड़ के आप लोग फोकस करो जो आप लोगों का मेन एरिया है, आप लोगों ने टॉपिक्स पढ़ने हैं, अगर वो टॉपिक एक दफा पढ़ लोगे तो आई डोंट थिंक सो कि कोई बच्चा जिस भी पैटर्न पे उसको पेपर आ जाए वो उसको सॉल्व नहीं कर पाता, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा क्या आएगा, एमसीक्यू या एसीक्यू, इसके अलावा तो कुछ नहीं आ जाएगा ना, तो उसमें कोई बहुत ज्यादा कोई अजीबो गरीब सी चीज आ जाएगी जो आप लोगों ने अगर पढ़ा भी हुआ तो आप लोग नहीं कर पाओगे। तो काइंडली फोकस ऑन द मेन थिंग कि आप लोगों ने वो टॉपिक जो है कवर करने विद द कॉन्सेप्ट्स। ओके मैम। हाँ जी कोई और क्वेश्चन है? नहीं मैम। चले ठीक है फिर, आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा। ओके अल्लाह हाफिज़।